चलिए एम्स 2006 सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट जानते हैं क्या होता है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ए होता है, अगर किसी लूप की बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इन टू ए फॉर लूप, फॉर लूप। और अगर बात करूं बार मैग्नेट के लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इन टू डी। अब ए क्या चीज होता है बताऊंगा मैं, फॉर बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट के लिए होता है। तो अपने को डायमेंशन लिखना है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का भैया। तो मैं क्यों ना, मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट इससे तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें स्मॉल एम का डायमेंशन पता है, स्मॉल एम मास नहीं है, यहां पे एक पोल की स्ट्रेंथ है वो बताऊंगा। यहां पे स्मॉल एम नॉट इक्वल टू मास, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इससे आप करेंगे तो आपको आंसर सही आएगा। देखिए इससे करिए तो आपके यहाँ आप मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन जो लिखेंगे, आप आई का डायमेंशन जानते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे आई होता है करंट, ठीक है ना, और करंट क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। तो अगर ऑप्शन में आई के टर्म में दे रखा है, कभी कभी इसको आई लिख देते हैं या ए लिख देते हैं, ए मतलब एम्पियर, ठीक है ना। और यहाँ पे ए क्या है, एरिया है, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, एरिया। तो ए यहां वाला ए क्या है, ये चीज एरिया है, और ये क्या है, करंट है, ठीक है। अच्छा तो करंट का कितना होगा, उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं डायमेंशन में, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। तो डायमेंशन कितना होगा, एल स्क्वायर ए, देख ले ऑप्शन, तो एल स्क्वायर ए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा अब देखें, अगर मैं बात करूं, मैंने बोला मैग्नेटिक मोमेंट की बात थोड़ी और कर लेता हूं मैं, लूप का और कैसे कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा और एक दो क्वेश्चन आपसे करा देता, कोई मैग्नेटिक मोमेंट और लूप की बात करूं, तो लूप की मान ले कोई ऐसा लूप है इस तरीके से, तो लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया मान ली इसकी रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू आई और पाई आर स्क्वायर, ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। बाकी अच्छा क्वेश्चन आपको मिलते करा दूंगा, और बेसिक आपको डिफरेंस समझाता। मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है जो प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस मतलब नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ बोलते हैं ना, तो नॉर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस एम, और साउथ को बोलते हैं माइनस एम, इसको कहते हैं प्लस एम, इसको कहते हैं माइनस एम, ठीक है ना। यहाँ पे तो नॉर्थ साउथ ना बोल के प्लस एम माइनस एम बोल देंगे। अगर इनके बीच की दूरी होगी डी, तो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा वो होगा एक किसी पोल की स्ट्रेंथ इनकी इनकी बीच की दूरी, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन जो होता है, एक बुक वाला होता है, मान लीजिए कोई ऐसे कोई को दे रखा है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मेरे को, चलिए बना ही देता एक करंट दे रखा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। ये बीच वाला डेड वाला है ना, इस ये कोई वायर नहीं है, यहाँ पे कोई वायर नहीं है, और करंट इसमें ऐसे थ्रो ऐसे जा रहा है। इसका अपने को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, स्क्वायर है, ए बी साइड ए का स्क्वायर है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला, दोनों साइड ए का स्क्वायर है। तब कैसे करते हैं इस केस में, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट जाता हुआ भी मान लेते हैं और आता हुआ भी मान लेते हैं, कोई तकलीफ इससे नहीं, क्योंकि शॉर्ट हो गया हो तो, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा इसको हम रीअरेंज थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ऊपर वाले को हम क्या करें, यहाँ पे आता हुआ मान ले, नीचे वाले को क्या कर ले, जाता हुआ मान ले। देखिए ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और नीचे वाले को ध्यान से देखें, नीचे वाले अपनी अलग साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, कर्ल द फिंगर अलोंग द करेंट, थंब बार नीचे आया, और इसको ए ऊपर है, ए वाला जो प्लेन जो ऐसे ऐसे ऊपर है इस तरीके से, क्या है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ऐसे कर्ल कर मेरी तरफ आएगा, तो उसकी डायरेक्शन ले लेना एम रूट टू आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए का मैग्नेटिक एम है तो आंसर कितना आ जाएगा, एम रूट टू, आई कैप जे कैप वो आपको खेलना है, आपको खेलना है, समझ में आया। तो आपको क्या ट्रिक है, यहाँ पे आता जाता दोनों मान लेना।